नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज पार्ट नंबर है 9th। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए हिंदी मॉडल पेपर सेशन 2020-21 यानी कि आने वाले 2021 में जो आप सभी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप चाहे बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर के छात्रों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्रों सभी के लिए ये कंपलसरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी हम आप लोगों को जानकारी देंगे वीडियो के लास्ट में। पहले आप वीडियो को देखिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार यानी पिछले कई सालों में ये रिपीट हो चुके हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, वही मैं आप तक प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर ये जितने क्वेश्चन मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में इसमें से देखने को मिलेंगे। आप सभी को मालूम है कि हिंदी में बिहारी लाल जी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके 6-7 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो में बढ़ते हैं आगे। लिखा है पहला क्वेश्चन कि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपको मिलेंगे काशी, बिहार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। देखिए ऑब्जेक्टिव बेस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर वाले में तो पूरा ऑब्जेक्टिव बेस पे ही एग्जाम होते हैं। ठीक है, वही बात रही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों की, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के भी जो कुछ क्वेश्चन है वो मल्टीपल यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस पे आ रहे हैं और इस बार कोविड की वजह से हो सकता है कि उनके भी जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर मल्टीपल यानी ऑब्जेक्टिव बेस पे हों। ठीक है, तो फिलहाल अभी ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई भी होगा तो हम आप तक इन्फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, जो राइट होगा उसे आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बिहारी लाल जी का जन्म मैं आपको बता देता हूँ कहाँ हुआ था। बिहारी लाल जी का जन्म हुआ था ग्वालियर में, इसलिए क्वेश्चन का तो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी ने किसका शिष्यत्व स्वीकार किया है। ऑप्शन एक है नरिहर दास, बी नंबर रैदास, सी नंबर रहीम और डी नंबर है नामदेव। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नंबर ए, इसलिए नरिहर दास। ठीक है, बिहारी ने किसका शिष्यत्व स्वीकार किया था, वो किया था नरिहर दास का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बिहारी लाल जैसे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन से बनते हैं सारे इंक्लूड हैं, ये मत सोचिएगा कोई क्वेश्चन नहीं है। कोशिश मेरी यही कि सारे क्वेश्चन बिहारी लाल जी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने इस वीडियो में डाल दिए। ठीक है, तो ऑप्शन यानी कि अगला क्वेश्चन है कि बिहारी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन मिल जाएंगे संबत 1220, संबत 1652 और अगला ऑप्शन है संबत 1500 और अगला ऑप्शन है 1540। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा वो है बिहारी लाल जी का जन्म जो हुआ था वो संबत 1652 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी के गुरु नरिहर दास कहाँ रहते थे। नंबर एक बनारस में, कन्नौज में, मथुरा में, ओरछा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, बिहारी लाल जी के जो गुरु थे नरिहर दास वो ओरछा में रहते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी सन 1662 में किस राजा के यहाँ अपनी व्रत लेने गए थे। तो यहाँ पर राजा लिख दिया गया लेकिन राजा होना चाहिए था। ठीक है, टाइप करने में थोड़ा मिस हो गया, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, लिखा है मान सिंह, गोविंद सिंह, जय सिंह, अकबर सिंह। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहारी जी सन 1662 ईस्वी में राजा जय सिंह के यहाँ अपनी व्रती लेने गए थे। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, एग्जाम में कई बार आया तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु पंक्ति किस कवि की है। नंबर एक तुलसीदास, बिहारी, कबीरदास, रहीमदास। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि बिहारी लाल जी की ये पंक्ति है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस राजा का क्या नाम था जो नरिहर दास जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आया और बिहारी को अपने साथ ले गया। ऑप्शन एक है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा कौन सा। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है। नंबर एक अमरुख का, अमरुख शतक, बी नंबर गीत गोविंद और सी नंबर आर्या सप्तशती और डी नंबर है गाथा सप्तशती। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर गीत गोविंद। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कवि ससुराल में रहता था? नंबर एक पद्माकर, बिहारी, देव, रसलीन। तो जो ससुराल में रहता था उसका नाम है, यानी कि वो थे बिहारी लाल जी, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी ससई में कितने दोहे हैं? नंबर एक है 880 और बी नंबर है 450 और सी नंबर है 713 और डी नंबर है 200। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 713। बिहारी ससई में जो दोहों की संख्या वो है 713, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी कैसे कवि थे? नंबर एक रसिक, बी नंबर भक्त भाव, सी नंबर दास्य के भाव और डी नंबर माधुर्य भाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो बिहारी जी थे वो रसिक कवि थे, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी जी के गाँव का क्या नाम था? नंबर एक राजापुर, ननकाना और सी नंबर सोरो और डी नंबर बसुआ गोविंदपुर। ठीक है, तो बिहारी जी के जो गाँव का नाम था वो था बसुआ गोविंदपुर, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी जी के काव्य का मुख्य रस क्या है? नंबर एक करुण, बी नंबर शांत, श्रृंगार, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर श्रृंगार। ठीक है, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। लिखा है कि इनमें से रीत सिद्ध कवि कौन है? नंबर एक घनानंद, बिहारी, देव, पद्माकर। क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को मालूम है कि इस वीडियो में बात कर रहे बिहारी लाल जी से, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी ससई किस वर्ग में आते हैं? नंबर एक महाकाव्य, बिहारी ससई किस वर्ग में आता है या फिर आते हैं? तो ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे महाकाव्य में, चंपू में, मुक्तक काव्य में, इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी ससई की बात हो रही है, ठीक है, तो बिहारी ससई जो है वो मुक्तक काव्य में आता है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी को एक दोहा लिखने पर राजा जय सिंह से कितनी सरफियाँ मिलती थी? ऑप्शन मिल जाएंगे 5, 10, 1, 7। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बिहारी जी को एक दोहा लिखने पर जय सिंह के यहाँ से मिलती थी 1 सरफिया, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता बिहारी के काव्य में नहीं थी? नंबर एक राष्ट्रीय भावना, बी नंबर नायिका का वर्णन, सी नंबर चमत्कार और डी नंबर है श्रृंगार प्रधानता। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय भावना। ठीक है, ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि बिहारी ने कितने ग्रंथों की रचना की है? नंबर एक 5, 2, 8, 1। तो बिहारी जी ने जो ग्रंथों की रचना की है उनकी संख्या है 1। ठीक है, 1 ग्रंथ की रचना की, और भी बहुत सारी उनकी कृतियाँ और उनके जो भी रचना है वो तो हैं, लेकिन ग्रंथ की बात हो रही तो 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसके लिए ये कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया? आपने सुना ही होगा कि बिहारी जी को कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है। तो ये किसके लिए कहा गया है तो मैं आपको बता दूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप सभी को मालूम है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, बिहारी जी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है बिहारी किस काल के कवि हैं? सॉरी, अब तो हैं थे हैं नहीं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, लिखा है कि छायावाद, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीत काल। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहारी जी रीत काल के कवि हैं। ठीक है, कवि थे, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में बिहारी जी की भाषा का नाम है? नंबर एक बुंदेलखंड, बी नंबर मगही, सी नंबर अवधी और डी नंबर ब्रजभाषा। तो जो बिहारी जी की जो भाषा है वो ब्रजभाषा है, इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहारी जी के बेटे का क्या नाम था? नंबर एक रंजन, बी नंबर कृष्णलाल और सी नंबर जहीर और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहारी जी के बेटे का नाम था कृष्णलाल, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में बिहारी जी के पिता का नाम? नंबर एक केशवदास, बी नंबर मुनिराज, सी नंबर घनानंद और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी जी के जो पिताजी थे उनका नाम था केशवदास, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी ससई का संस्कृत में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? नंबर एक कबीरदास, तुलसीदास, पंडित परमानंद और लास्ट ऑप्शन यानी डी नंबर है बिहारी लाल। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहारी ससई का संस्कृत में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? वो पंडित परमानंद द्वारा
परमानंद द्वारा किया गया था, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से आचार्य बलदेव ने बिहारी जी को किसका बादशाह माना है? नंबर एक सोरठा का, दोहा का, चौपाई का, कबित्त का। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य बलदेव जी ने बिहारी जी को दोहा का बादशाह माना है, दोहा का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। एग्जाम में कई बार पूछा गया तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी लाल जी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभव के विधान में दिखाई पड़ता है, ये किसने कहा? नंबर एक है गणानंद तुलसीदास, राम कुमार और रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, ठीक है, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी रत्नाकर के रचनाकार का क्या नाम है? नंबर एक केशवदास, नरहरिदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर और डी नंबर रहीम दास। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहारी रत्नाकर के रचनाकार का नाम है वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी जी को क्या माना है? नंबर एक गुरु, रसवादी, अलंकारवादी और लास्ट ऑप्शन पंडित। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी जी को रसवादी माना है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऋतकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन मिल जाएंगे रस सागर, बिहाई सत्सई और कवि प्रिय, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऋतकाल का जो सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है वो है बिहारी सत्सई। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि बिहारी जी का देहांत कब हुआ था? आपको ऑप्शन मिल जाएंगे संबत 1900, संबत 1700 और संबत 1720 और संबत 1820। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया कि बिहारी लाल जी का निधन या देहांत कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1720 ईस्वी में बिहारी लाल जी का देहांत यानी निधन हुआ था। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस बिहारी लाल जी के इतने क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे और प्रीवियस ईयरों में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आप तक प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन। अगर आप ये अच्छे से पढ़ के जाते तो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव, अगर आपको किसी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम कमेंट पढ़ेंगे और उस पर प्रोसेस करेंगे। जल्दी से जल्दी हो सकेगा तो आप तक हम वो मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग चैनल, ठीक है।